बस 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 अरे वाह हमारे घरों कटुबी भाई चला और विशेष ओहो ए बाबा आहा घर भी पहुंचा यार हेरा देव हैं साल साल भर बाद हूं मैं यो साल बाद ना बहुत बहुत बधाई बोले गाड़ी के चल यार गाड़ी अपनी जी गाड़ी है ना काफी महंगी गाड़ी ना ना चीज है 14-15 लाख की गाड़ी चल चल तेरा पड़ी जी ना हां पड़ी जी बहुत बड़े बहुत तरह की जी बताओ आप लोगों आशीर्वाद जी बहुत बड़े भाई ना ना आप लोगों आशीर्वाद जी जरा नहीं बहुत बड़े अच्छे चलो तब बोला बाजार में मिली बड़े हुए तो भी है ना तब मिल लो रे फोन करो रे मैं दबा बिल्कुल अच्छी एक कॉल बोल जरा बहुत हुए भाई है ओहो अच्छा बोला ठीक है भाई अच्छी बात ठीक है फोन करो रे अरे बिल्कुल भाई चलो ठीक तब बाबा 5 बजे नो मेरी घरों को कनके जान में कोई जड़ो भी नहीं बोला अरे अरे भाई साहब प्रणाम प्रणाम भाई साहब से घरों बाल कुटुंब सब ठीक ठाक तुम तो मैं पानी अपन भाभी जी सब सब ठीक हां आज का वैंडी लेवे भाई दियो का नो हां अभी लगे किचन अभी लगे हां भाई साहब और क्या होना था बाकी होना अब काम भी बहुत हुई भाई साहब बहुत काम हुई अब ये काम मारे ये चढ़े बजे हां पर भी जान हम हां क्या बोलो मशीन अब ये सामान ये पुनो नेपाल वगैरह भी जिन क्या हां ये बादुर हो जे तो पुनो एक पुनो एक पुनो नजदीक है अच्छा अच्छा जी तुमसे भी नहीं सके हम मिले अब बुलावा है चला चला आता कोई हम तो दिल्ली में जाता आदत है बिगड़ी भाई साहब अब उससे कण कोई नहीं हो ना चल उन्होंने बात अब बात रहूं चलो भाई साहब ठीक है अच्छा आज ही बात अच्छा उफ कोगे बोलियो बहादुर छो बनोणो ना कोगे सो बहादुर अरे बहादुर कन के जानो मैं अरे पारी हुए तबे ती गढ़वाल में व्यवस्था नहीं क्या कन क्या मैं नहीं गया ए यो एक बार ओ बादुर भाई ओ बन्यपरियो हलकनी ओ बिटिया वो क्या बन सो क्या बन सो बिटिया बिटिया वो किस को बिटिया बोला मैं तेरे को बोला बिटिया जब कोसपति नाची को समय जोए कोला कर देगा अरे किस को क्या बोला अरे तू बेटा नहीं है वो आज मैं कोसपति नाची को सम कर रहा मैं कोला कर देगा अरे मैं मार दूंगा तेरे को हमारे यहां पे मेरे को मारेगा और किसको मेरे को मारेगा किसको मारेगा वो मेरी पगड़ी खराब नुकसान करो ने बता दिया मैंने एक बार समझ रहा है साले हमारे यहां भारतवर्ष में आ रखे हैं नेपाल से मैंने पहले पार देखा तेरे को यार तू कहाँ से आया मैं तो यही गाँव मेरा ऊपर गाँव है मैं पहली बार देखा तेरा यहाँ क्या बचपन से यही है तू क्या वो मेरे को 8 साल हो गया हल्ला मत कर यार चलिए सामान उठा ऊपर गाँव में जाना है वो तेरे बाप का नौकर है मैं तेरे बाप का बाप किसको बोल रहा है मैं बाहर जाएगा वो सोच रहा है किसको बोला तू बाप मैं ये अबे तू क्या बोल रहा मुंह लग रहा बदतमीज कहीं अच्छा सामान उठा चल वो तू मेरा पहनावा देख रहा है और क्या है तेरा पहनावा डोटियाल है तू बाकी क्या है तू सारा मेरी लीड भी निकाल दिया ये लीडर ये मोबाइल ये रख के तू बहुत बड़ा बन गया तू तू लाया क्या वो मेरे को जानता है तू अरे ये सामान उठा मेरे को जानता है चल मेरे को जानता है तू मेरे को जानता है नहीं जानता क्या करेगा तू मेरा बता तो आपने वो आगे निकल चल निकालिए ऊपर ले जा निकाल अरे पैसे पकड़ यार कितने पैसे चाहिए तेरे बात कर चल मेरे को पैसे बता रहा तू मेरे को पैसे बता रहा तू तू क्या है वो सुन अरे दिल्ली से आ रखो भैया दिमाग में चढ़ दे गांव का नाम क्या ये गांव का नाम क्या बोला ये हमारा गांव है भैया यहां पे वो तेरा गांव मैं कैसे मानूं तेरा गांव मैं पहली बार देखा तो ये अरे मुझे याद है भाई मुझे ये जो भी है मतलब ये मेरा जो कैसे हो गया मेरे इलाके में अरे तू ये सामान लेके जा रहा कि नहीं लेके जा रहा मेरे इलाके में आके तेरा इलाका मेरे से दादा तुझे कर रहा है ये तेरा इलाका हो गया ये नहीं तो तेरा ये हमारा है हमारा गांव है ये
वो अपने गांव का नाम चोरों को याद नहीं। अपने गांव का है, मैं नाला नाला गांव है मेरा, वो बगल वाला नहीं पता मुझे, जो भी है वो। तू ये सामान उठा रहा कि नहीं? पैसे पकड़ अपने, पैसे बता पैसे। फूफजी मां शंका सुन, मेरी बात सुन, तू पैसे बोल यार। तू इस नाला गांव है ना, यहाँ से लेकर ऊपर देवर गांव तक वो आधे से ज्यादा खेती मुए का नहीं। अरे तेरे को सामान उठाना कि नहीं? तू मेरी खोपड़ी समझ, मैंने तेरे को बोल दिया, मेरी खोपड़ी मोशन का पोस्टमैन नाथ, मैं ऐसे मूड में जा रहा था, मैं करेगा, मैं बोल दिया। बेटा तेरे को तो दिखाऊंगा ना, मैं तेरे घर आके दिखाऊंगा। ये सामान उठा, सामान उठा यार, नखरे मत कर। तेरे सामान की ऐसी की कैसी, तू मैं फाड़ूंगा रास्ते में, ये तो पागल है साला। वो समझता अपने आपको? अरे यार ये दगड़न भी ना बोली, तेरे टुटियादन भी लात मली। ए दिग्विजय बोल भाई, दिग्विजय मेरो सुख दुख को साथी दिग्विजय, पता नहीं उठवा नहीं उठवा। ए बाबा हेलो, हाँ अरे दिग्विजय। हाँ भाई जी। हेलो ठीक जी रे? भाई जी ठीक जी। काक तू मत ये किचो यो मात काम बले यो घर अभी और मु काम पर। अच्छा ठीक 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 ठीक। और क्या हुआ नो? अरे यार मैं दिल्ली बिटन को आ रही हूँ ना। आप क्या पानी आ रही हो को का मोड़ी बिटन ना? ये दो दिदार मुनी था जब हम गौर जना हुआ। अच्छा बट्टा पर आया मुझे यार, जर मेरे सामान सुमान ही माजे योद भी नेपाल ही पता नहीं, ये नेपाल इन तो बोलेगी मैं चकू चुकू थमल थमल जो दिखो ना, बोले मैं तेरे को अभी पता नहीं पचास ही जो उन्होंने कुछ जो है वो। पर यार जरा सामान लेकिन जो यार बोला जरा ए जावा जरा। अरे भेज मैं थोड़े काम बच चले ये तो भेज वा काम पर। अरे भेज लो बच्चे कक पड़े तो जल्दी यार बोला तू यार नजदीक है जल्दी वा। अरे सब यार मालिक यो सब उल्टी खबरियो बिजियो। अरे ते मालिक छोड़ ना भेजल सब भेजल तू ए जा तब है। ठीक छे ठीक है। और जल्दी हो जल्दी हो जा। पता नहीं क्या। हां हां तो वहां पे ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मोबाइल दे देना उनको। ठीक है मैं सकुशल यहाँ पे पहुंच गया हूँ मैं। अच्छा तब करता हूँ फोन करता हूँ मैं। ठीक है राजी खुशी भाई जी। अबला और तब ठीक ठाक कब चली है तू? मैं ये की काम बचो गांव का भी और तक। ए अच्छा जी। अरे भाई और बटे आलम सुबह तू 1 घंटा भेजनी हो मु। अरे यो बटे आलम यमड़ा की तेरा बैग ले जाऊं बोले ये बल्लात मार दिन बोला मैं। सारे जगह टूटे है छिन बचा नहीं यार बहुत मुश्किल है काम जी यार बोला ही लेकिन। अरे तब चल भाई अब तब जल्दी हो तब उठो बल चल। मेरे तो दिल्ली माजे तक कमर पड़ा हुआ है भाई, मेरे बस को पल्ली में कमरा जंजो नहीं जंजो याद हो सिलेंडर आ सिलेंडर निकल जो आप मुझे उठो बलिए। अरे चल बल जरा रात में हो तो कुछ। अरे वो चल भाई छ्या कौन पो भाई जब दो रही तो चल तो से वो चल भाई तेरे सौ का चल सच में। हाँ हाँ वो चल उठो पे भाई इटवटे आदमी भाई तुम्हारे कब आवाज तुम्हारा बाना ही हूं मैं। नमस्ते और जो मैं आनी नहीं जो समणो जो मैं सुन। हां मेरा बाना है धरवा बाना नहीं है तो चल बस समणो जो चल ठीक है। ए बाप क्या बोल भाई बहुत मुश्किल का काम है। सब थोड़ा गाज दे पहले डाल दी थे पिछले साल भी जाइए तू अब यो द्विगत बेसाग दो हर साल जानी मन में इतनी मां का मैं कह नहीं कहीं बैठी तो होनी नहीं कुछ नहीं बोल दे मां मैं बात कर लूं साफ सुमा लड़ी जब तना चाहो हां सोए तो यार मैं कर लूं
अरे तो अपनो चोदर में बैठे हो सी यार झोला यो दिन आप का कुटो सुलार जुन तेरे कुटो सुलार भाई नमस्कार एकदम तब कर दो बस तब कर दो फोन में भाई साहब अरे जरी मिली मिली जटी पापा ना आशीर भाई और ठीक ठाक जन तब तुम तब भाई क्या हालचाल यार बोला बस ठीक ठाक है जन और बाल बाल गोपाल कब आ रहे हैं ना आपको बताओ के ना दो तीन दिन में बोला हैं और बच्चे ठीक हैं अरे के दर जमा के बारे है के क्लास में गेंद क्लास में जेन से सीजन पर कौन काल रंदना परमा स्कूल में जाए हो जाए आज हम इधर बाद में बैठा हूं जरा न्यूने बैठो ना ना वो के बैठने के यार परीक्षा के जन वो के मत तो ये में हूं जो है यार मैं तो मिला कोई खास प्रायोजन अब यार ये भजन तुम्हारी गोमा पर सारे बटिया काम ठीक ना आदत ठीक है यो जो भाई तो मतलब कुर्ता सुनार जो तक पहनियो गुलाबी गुलाबी टाइप में आई और टोपली जे दोरी धन बहादुर तो नहीं पता नहीं भाई कनोड़ पर लेट जे लगा हां ठीक है ठीक है यार जो कनोड़ पर लगा जड़ भंगी जे ए बता मैं बोल यार दसु अरे बतेन के करेगी आयो में सामान सुमान नहीं हो तो जन वन गया हां कुछ देर इंतजार कर अब यार दिल्ली मार दे यार आदत भी खराब हो गई यार बोला मतलब उकाल नहीं चढ़ा क्या तीन चार सामान जो बैग जा तो मैंने तो बोले एक ही सा मैं बोला भाई पहले तो बोले और नेपाल नहीं सुने मैं वो डुड्याल अरे सीधू की तू डुड्याल किसको बोला अरे ये तो आजा लिया की भाई पूछना नहीं थी कहते हाँ हाँ अरे मैंने तो बोले मोर भाई यार भाई ये सामान घर पहुंचा दे बोल तेरा घर कहाँ है तू उतार रहे सीधू कसम से जो भी ठीक है बहुत बड़ा आदमी जो मेरा ये ठेका चल रहा है जो बोलो निकाले थमो हाथ पर भाई ये कच्चा जोलो बस तुम्हारी आदत ठीक नहीं कर रही तुम हम तो ना पर हमारे ठीक जो भाई हिसाब किताब ना तुम लोग ठीक ना ना भेजी वही की क्या एक तो संगठित नहीं कोई सब अपना अपना काम पर लगे आप जो काम भी सुबह नौकरी पर अब आ जरा साल को जाना ना सो बढ़िया बात है अपना गौर तब के दड़ी ना मिलनो चलो तुम दड़ी भी दियो और बटा पुंडो पड़ो मैं भी यानी भी सुनी छ पता नहीं बॉडी जब हमर पोंगड़े भी तो ये मास दा छ ना बोल करे हां एक मकान पर दोनो सो राम का जो का दिल्ली हां से दिल्ली जेन दिल्ली बिडन वापस को हैं से अजो मकान दे अंदर एक मकान फर्स्ट क्लास टाइल वाइल लगनो सो बल तो दियो तई पर कब जाओगे संभाल ले कब जाए छ ना जर जान जो यार बोला मैं तो बड़े बुरु लगे भाई मैंने बोली आज जर चल आज क्या बिल्कुल दोनों मत तैयार रहिए साल छाना बचाना अभी अंदर तुम जानोगे बाने मैं जर ये धर जानो अब थोड़ा एक काम कर तू ये लेकर दुई बार चला दो ना आ ये तो डाल दे तो घास लियो बा संको आवे जाए हां अभी ना उना तुम तो बड़े चाय बड़ा रहता अच्छा तू यो अच्छा ना अब दिल्ली पुन ठीक है अब दिल्ली तो ठीक है भाई मतलब बिठा पुरु लगे ब्याली हां अरे ये सो अलड़ा फलड़ा पता अच्छी बन बैठी तुम नहीं ले जाऊंगा तेरा ना बदतमीज तो चीज भाई था ना हां सो तो यार आदत भी बिगाड़ ली हम ही लोग उन बिगाड़ ली ना हां बात सही है ना जब क्या बोले सब जो जग दे तक रे इनसे वापस नहीं है नहीं है मान सही है चलो ना कदे उजे पूछ बजा उजे है पूछ भाई सुन लो तू कोई की काम छ ने एउटा बाबुला पनि हेर्न नसक्ने अझ त्यहाँ के रे बुलाउने तू पहचाना ऊजा के बोलो भाई हमारा भाई है मेरा वो कौन सा भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसको अरे परसी भाई अरे ये बेर रहा हूँ जोनियो अभी आए यहाँ परसी तो आये मैं दिल्ली बिटे ना हाँ मैंने तो बोले ये भाई साहब ये इतना बोला पोटर मेरे ऊपर ऐसा फेंका इसने तो फेंका बात ये बात होगी हाँ मैंने इसको बोला मेरे घर नहीं मेरे को बोल रहा क्यों बुटियाल ये समझ रहा अरे अंदर रख बुटियाल अरे अंदर रख ये अंदर रख ये बोला अरे ये अंदर एक टुटियाल को टुटियाल नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे पानी गाली जोड़ी छे हेलो ये क्या रे टांग वो भी खराब हो गया आज देखो मेरी गोबली भी खराब है वो भी खराब हो गया और ये भी बहुत खराब बात हो रही है उला हां
एक तो ये खराब हो गया, ऊपर से मेरा दिमाग खराब है, ये खराब बात करिए संदीप भाई, और ऊपर से तुम इसको लेके आ गया यहाँ भाई, ये देखना चाहता है लड़का बता रहे थे मेरे को कहाँ रहता है लड़का, ये वो बताने का क्या है, वो संजू की बोई पानी क्यों नहीं लाई पानी ला। मैं कल परसों आया तो मैं दिल्ली से आया, मैं तो मैंने सामान मुझे मेरे को एहसान किया उन्हें आके, ये बोटा क्या बोल रहा है बताओ, तू तो मत बोल भाई, तू मत बोल पानी पिए थे वो आपकी बोतल से बोल रहा बोल रहा, मैं वो संजू की बोई वो जो चाय बना रही स्वागो को पानी गिरा था काम छैन यो घर ऊ घर भनेर आफू त घरमा बस्ने मात्रै खाने पैसा पनि कमाउने छैन, उल्टे के रे ठुल्ठुलो त्यो देखाउने धम्की अझै मान्छे ल्याउने अझै गर्ने नेपाल में भी बीबियों के सीन ऐसे ही हैं, नेपाल में भी बीबियों के सीन परेशान ही आदमी कैसे चल रहा है काम वाम, वो काम तो धोखा धोख चल रहा है, वो संजू की बोली यार वो कोकड़ी रखी थी कोकड़ी तो ला दे काकड़ी बोली अभी काकड़ी रखी है वो पूरी खेती ऊपर होगी है, अच्छा अरे बुआ वो हमारे खेत की काकड़ी है, अच्छा बहुत ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद ले वो खिला रहे अभी खा लो कोई बात नहीं, कोशम मैं इसका जो है मैं फोन कर देगा, मैं मुंडी काट के ना, क्यों ऐसी क्या बात हो गई, वो ये मेरे को ऐसे सुन रहा है जैसे मैं नौकर हूँ इसका, भाई तुम रह तो गढ़वाल में रहे हो, जो यहाँ का खा रहे हो यहाँ का पी रहे हो वो भी तो बाहर से आए, सुनो होमने वाली के जो काम है ना, अगर होमने वाली याद हो ना तो क्या होगा, वो जो ये मोगान है जो तुम्हारे घर जो खेती बाड़ी जो तुम्हारा पूरा जितना तो मान के सुनो कि अगर तुम्हारा जो मुर्दा ले जाने वाला वो ना वो भी आज की डेट में नेपाली लेके जाता बात करता है मुझसे, इसको इसको अपने गांव का नाम पता नहीं परसों पूछा मैंने इसको, बहुत सालों बाद आए ना इसलिए, वो तो मेरे पे एहसान किया क्या, अरे तो तुम्हारा काम नहीं है क्या सामान लेके, मैंने क्या बोला था सामान लेके जा, वो दे लो मैं बोल रहा है मैं इसका तो सामान ले जाने के लिए बोला बैठ ना, इसके बाप का नौकर है मैं, अरे तू गरम क्यों हो रहा है, क्या नौकर नहीं है तू, वो कौन सा नौकर है, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू क्या, वो सुने मेरी बात सुन, हाँ बता, तेरे जैसे ना 50 खरीद लूंगा मैं, एक और क्या काम करते तू, क्या है तू, वो सुन मेरी बात, हाँ बता, ऊपर गोली घूम मैं कम से कम 1000 जो है ना वो डोंडी चलता है मेरा 1000 डोंडी, वो कौन दी है अपने खोसर है मेरे होटल है मेरे, वो ये शाम को तो पूरा है, तो क्या हुआ तो सामान तो मुझसे बात करने का देगा, वो कोकड़ी खिला दिया जैसे कोकड़ी काटा ना ऐसे बात मत कर, काटने वाली बात मत कर, देखो मैं आपकी वजह से बोलराज कर रहा है, मैं आपकी वजह से बोलराज कर रहा है, क्या आदमी चल रही है मैं जागले है, जाते हैं बेटा तेरे पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ है ना, समझ गया कहाँ की बात करेगा, बतौलत करेंगे कोई बात नहीं, वो ऐसा आप ही मुझे वही, मैं वो नहीं बोल रहा पर एक बात तू ये बता, गर्दन काटूंगा चाकू काटूंगा ये क्या मतलब, इतना बड़ा पोटर उठा के मेरे पीछे फेंका इसने, पूछो जो है ना इस आदमी ने मेरी बहुत खोपड़ी खराब कर दी है, जो है यहाँ पे ना, अरे ये सुन मेरी बात, देवभूमि उत्तराखंड में है तू, हमारा गोर का ऐसे मत दिखा बार बार,
बहुत हल्ला कर रहा है बाबा से आके हल्ला कर रहा है वो सारा दिमाग और आपके कर दिया मैं पोस्टपोन आज के कोशों का हरा मैं आप खा देता चेहरा नहीं करते और के देश में आकर ऐसा भी होता है वो बोला है क्या बोले मेरे को जो भी बोले वो चुप ला उसके बाप का मुंह करे में चुप रहना है वो बोलता है ज्यादा बड़बड़ नहीं करते वो बुढ़िया बोले मेरे को हम उनके उनके देश में आ रखे है अभी दो चार पैसे कमाने के लिए भीख थोड़ी मांग रहे मेहनत कर रहे उसने खेती बाड़ी को रखा है वो बोरा चलाता है फिर भी और के देश में आकर हम पैसे कमा रहे ऐसे नहीं करते जो है ना ये अपने काम तो करते नहीं है इनके मुखान हम बोला इनका बोरा हम डालते हैं इनकी खेती बाड़ी हमको फिर भी वो पैसे दे रहे हैं ना हमको वो तो फ्री में दे रहा क्या होम मेहनत कर रहा है होम मेहनत कर रहा है पशुपतिनाथ के कसम खा अब आज आज से किसी से झगड़ा नहीं करेंगे आप वो मैं सोनू जी की कसम खा रहा है पशुपतिनाथ की कसम खा रहा है वो नहीं करूंगा मैं झगड़ा पर अभी मेरा जो है पूरी बहुत सोना कर रखा है वो भी ऐसा है कि खाना बना हाँ। वो खाना बनाने मैं अच्छा। वो कोड़ी बाहर बनाना कोड़ी बाहर बात यार बोला असल में कनो तो ठीक छो ना ना ठीक बोलो भेज दो भले ही बात ना कड़वी जी ना पर सच्ची बात बोलो तो हमारी आज इन काम करो तैयार ही नहीं भाई बंगड़ा पटोला मकान ये मुझे मकान ये थोड़ी नहीं तो बेर जाए हाँ तू दी लियो प्रधान हो उड़ू जो नेपाली नेपाली आज बटाल बोली के कुछ क्यों करो तुम क्या करता वो गरीब मैं तो बोल दूंगा तो बात करना पर हम संगठन नियम संगठित नियम संगठन ये बात है ना अरे काम करो पूरे राजी नहीं ना अच्छा भैया आप जन का ना यो ये जनवा वाला सीना में उपार समिति बोल यो दी दीजिए ना अच्छा 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 तो तुम हो जोला तुमको मतलब जानते एक सामाजिक संगठन बने छोटू जना आप संगठन नहीं बात करना जो नहीं उमा गोरखा संगठन सुनो जो तू गोरखा संगठन बाबा उपार समिति वाला अभी ना बहुत काम करना क्या काम करी तू कई गरीब महिलाओं ने मकान बने दिल अच्छा अच्छा हाँ ते बाद मैनो मैं ना सी मतलब केते जन पेंशन दियोना अच्छा अच्छा हाँ और जो कर सकते जन आप जन लोग भेर रोना हाँ, हाँ, हाँ। जो भी अपनी तरफ 100-150-500 रुपए जो भी करना मत तैयार जो मैं अगर बहुत करना अच्छा मतलब टच और बहुत बड़े दिन जो करना अभी जिनना सोने जो बोलो तुम्हारे कोई मोड़ो मोड़ बोलते हम लेके जाते हैं क्या करें बात भी सही कहे गाँव का गाँव बाजा पड़े लुआ सब दियो से भाई साहब जे कि नोकर लगनी सु वापस नहीं होनो सुनी होनो नहीं होनो कोई गौर में बूढ़े बूढ़े मरी तो कहीं लेकिन कहीं लेकिन देहरादून हरिद्वार इसके जो सब गड़बड़ी पड़े अब यार बोला ये मत कुछ ना कुछ करना पड़ोल भाई कर दा भाई यार ओ ओ संजू की बोए हां ओ मेरे को भी वो बोटे वो दिन ठीक है चलो ठीक है ऊपर डालो
हाँ पेमेंट तू देखो तुमको आज ही पेमेंट मैं दे चुका हूँ, समझ गया? वो कॉल तो है वो यार जिम कॉल है, ठीक है तो कॉल भिजवा देना सीमेंट, ठीक है ठीक है वहाँ सर। वो मैंने सुना तू कॉल दिन में यहाँ नहीं था, क्या था बोता मेरे को? काम किसका काम था बोता? सामान बोकने नहीं गया था तू बोल? हाँ गया था है? वो साला मेरे ऊपर ही इतना बड़ा पोतर उठा के फेंक रहा है और तू उसका सामान, तू आधा दिन का तेरा जो है वो तेरा जारी गया आधा दिन का वो गया, तू साला मेरी लेबर वहां जा रहा काम करने के लिए, काम छोड़ के जा रहा है। मालिक साहब फोन कहते हैं मैं अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो मैं तेरे को यहाँ रखवा ही नहीं, वो तो हमारे नेपाली लोग जो है वो नेपाल जा रखा है, इतने मजबूरी में तेरे को रखना पड़ा है, काम कर वहां काम कर, मेरा मुंह देख रहा काम कर, वो मेरे ऊपर मारेगा, मेरे ऊपर मारेगा कौन काम हुआ? मुझे आपको अंग्रेजी में बोले क्या? तुम काम करो, काम करो, करो काम बताओ तो। इसकी तो उम्र भी बड़ी लंबी है, बताओ मैं अभी यार कर दो यही इसी का सामान बोकने गया था तू तो? क्या हुआ बोकने गया था तो तेरे को क्या तकलीफ है भैया? तू मेरी लेबर को तू वहाँ जो है अपना सामान बोकने के लिए, तू सामान बोकने के लिए रुका है मैंने यहाँ, तेरा आधा दिन का जो है पगार बोक गया। अरे मैं दे दूंगा ठीक है मैं दे दूंगा, समझ गया? मैं अभी काम से निकाल पाल देगा इसके बाल बच्चे, पाल देगा इसके बाल बच्चे। मालिक साहब तुमने ना करा, तुम काय के लिए आया गया? वो भाई काम मेरा ठेका चल रहा है यार, थोड़ा का ठेका है पता नहीं है, और ये मेरे को बोल रहा है बोझा बोलने को, क्या बोले मेरे को? मैं अभी पोस्टर से जो पोस्टर तूने फेंका ना, मालिक साहब मालिक कर दीजिए उसको, ऐसा मारूंगा ना, मार मार के ले जाऊंगा नेपाल। वो मेरे को क्या मारेगा? तू देख रहा है ये लेबर यार ऐसे फोड़ेगे ना, ऐसे फोड़ेगे तेरे को, ये गुस्से में रहूं भाई, ये घर तो मैं ये तो लिख रही चौकी में बात कर रही हूं। हां मैं बात की बात कर रहा, यही की चौकी की बात कर रहा हूं। यू जाएगा जो हल्ला मत कर, मैं दांत तोड़ूंगा साले का। अबे ये तू साथ दांत तोड़ेगा मेरे मालिक, जैसी तो मैं फाड़ दूंगा तेरे को अभी। मालिक साहब मैं तेरा वीडियो बनाना, रुक बना मेरा वीडियो, क्या वीडियो बनाएगा तू? वीडियो बनाता हूं रुक। मालिक साहब तू जा कहां, क्या कर? अरे लड़ ना करो इसको समझा दे, इसको समझा दे, मैं फोड़ूंगा तेरे को, ये रुको वीडियो बना इसको, इसको बस तेरे को पुलिस ये मेरे को नमस्कार सभी उत्तराखंडी भाई बंधु ते, हमारो एक प्रयास मंगतू टीम द्वारा कि जो पलायन होनो छ उत्तराखंड में वे पर एक कटाक्ष कि जो भी उत्तराखंडी भाई बंधु जो पलायन करीन कली जोन तुसी जब उत्तराखंड में वापस होना छिन तो देखना छिन कि यख नेपाली भैबंद या बिहारी भैबंद वो अपनो रोजगार करना छिन, तो जब वो लोग अपनो रोजगार या करी सकते और बहुत ही बेहतर ढंग पर बहुत ही अच्छा ढंग पर वो रोजगार करना छिन, तो हम उत्तराखंडी अपने गाँव में अपने मुल्क में रोजगार के लिए नहीं करी सकदन, तो एक प्रयास टीम मंगतू के द्वारा हमारो के तभी चाहे नेपाली भैबंद हो चाहे बिहारी भैबंद हो के कभी दिल तय ठेस पहुँचो हमारे कोई मकसद नहीं छे, वह हम खाली दिखा चाहना कि एक संदेश छे कि पलायन रुकू और हम अपने उत्तराखंड अपने गांव अपने मुल्क के बारे में सोचू, तो
आप लोग भी जो भी देखना छन आप लोग एक बार जरूर अपने गाँव में रोजगार को प्रयास जरूर करे ला। यू ही शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।